गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आज मैं बताऊंगी कि कितने सिजेरियन आपके लिए सेफ होते हैं, क्योंकि हर लाइव वीडियो में मुझे पूछा जाता है कि मैम क्या 3 सिजेरियन क्या 4 सिजेरियन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिजेरियन सेक्शन इज एन इमरजेंसी, इट इज नॉट अ रूटीन प्रोसीजर। माँ बच्चे को बचाने के लिए यदि कोई भी ऐसी इंडिकेशन है कि माँ की जान को खतरा है नॉर्मल डिलीवरी से, या फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी से, तो सिजेरियन प्लान किया जाता है। अब जब एक सिजेरियन किसी कारणवश हो गया, या कई बार आजकल गर्ल्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती, डर जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के नाम से, उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, तो इसी के लिए मैं इस चैनल में भर भर के उनको इनकरेजमेंट देती हूँ। अपने लाइव वीडियोस में भी उन्हें बहुत समझाती हूँ कि ये एंग्जाइटी हटा दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसीजर जो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के अच्छे रिलेशनशिप में आराम से हो सकती है, इफ देयर इज नो इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। अगर आप चलो डर के कारण भी अपना सिजेरियन करा लेते हैं, तो फर्स्ट सिजेरियन के बाद में जब सेकेंड की बारी आती है, तो आपको क्वेरी होती है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी अब हो सकती है आफ्टर फर्स्ट सिजेरियन। दिस इज नोन एज वी बैक, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। मतलब यदि आपका बेबी 2.5 किलो के आसपास है, यदि यूट्रस खुद खुल रहा है, यदि आपको पेन्स अच्छे आ रहे हैं, यदि बच्चा आड़ा तिरछा नहीं है, सीधा बच्चा है, सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, तब तो हम 40 वीक्स तक भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करते हैं। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी गड़बड़ है, तो हम स्टिचेस का रिस्क नहीं लेते और किया जाता है सेकेंड सिजेरियन। अब जब आप 2 सिजेरियन करा चुके, दैट मीन्स यू आर प्रीवियस 2 सिजेरियन, तो क्लियर कट थर्ड टाइम में हम वजाइनल बर्थ का रिस्क नहीं लेते, वी बैक होता है सिर्फ 1 सिजेरियन के बाद। तो 2 सिजेरियन के बाद 3रा सिजेरियन होना निश्चित है, जो कि आम तौर पर हम बोलते हैं कि 37 वीक्स जब हो गए, मतलब जो भी आपका नवा महीना है उसके 15 दिन यदि निकल चुके, तो आप कोई भी डेट देख करके जो कंफर्टेबल डेट है उस पर सिजेरियन करा लीजिए। क्योंकि यदि आपको पेन आने लग गए, पानी छूट गया 37 वीक्स के बाद में, तो अननेसेसरीली एक इमरजेंसी हो जाएगी और प्रीवियस 2 को रात बिरात ऑपरेट करना पड़ जाएगा। कई बार इस तरह का मिसहैप हो जाता है कि बच्चा नहीं बचता, आपके 2 सिजेरियन हो गए और बच्चे को कोई बीमारी बाद में हो गई, बच्चा किसी वजह से नहीं बचा सके हम लोग, भगवान के पास चला गया, उसको बाद में कोई बीमारी डायग्नोस हुई, या बच्चा कमजोर हो गया, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाए, हम दोबारा सिजेरियन करें कि नहीं, हम दोबारा कंसीव करें कि नहीं। देखिए, यदि इस तरह के मिसहैप है, आपके पास में एक ही बच्चा है या एक भी बच्चा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके पास 2 बच्चे हों, तो आप आराम से अपना 3रा 4था सिजेरियन भी करा सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में कि आप स्वस्थ हैं, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन बीपी शुगर थायराइड नहीं है। आपके पहले के 2 सिजेरियन में आपको डॉक्टर ने ये कतई नहीं बोला कि अगला सिजेरियन मत कराना। कई बार जब हम दूसरी बार पेट को खोलते हैं सेकेंड सिजेरियन में, तो इतना चिपका हुआ होता है, पेशाब की थैली चिपकी हुई होती है, आंतें चिपकी हुई होती हैं, कई बार जब टांके होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, टूटने को होते हैं, तो हम खुद ही उनकी फाइल पर लिखते हैं, पेशेंट को भी समझाते हैं कि अगला सिजेरियन आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है, आप आगे बच्चा प्लान ना करें। यदि इस तरह का कोई इंडिकेशन आपके सेकेंड में नहीं था, तो आप आराम से थर्ड सिजेरियन प्लान कर सकते हैं, और एक्सपर्ट हैंड्स में, मतलब कि आपका डॉक्टर एफिशिएंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो आपकी सर्जरी आराम से कर देगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, और आपको प्लेसेंटल वगैरह कोई भी इशू पहले नहीं हुआ है, तो यू कैन गो फॉर अ थर्ड सिजेरियन। इन रेयर केसेस कई बार हमने फोर्थ सिजेरियन भी किया है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जेनेटिक की, बच्चा हुआ 2 दिन बाद एक्सपायर हो गया, 3 दिन बाद एक्सपायर हो गया, तो अल्टीमेटली पेशेंट के हाथ में एक भी बच्चा नहीं है, या एक बच्चा है, आगे के 2 सिजेरियन वाला बच्चे एक्सपायर हो गए, तो आप 4th सिजेरियन भी करा सकते हैं। लेकिन फिर वही कि आपको पूरे प्रिकॉशन रखने हैं, आयरन मल्टीपल मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन अच्छे से लेना है, डाइट अच्छे से लेनी है, क्योंकि 4th सिजेरियन में जो आपकी इम्यूनिटी है वो खराब, जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो भी लो डाउन हो जाता है, आपके कैल्शियम स्टोर्स भी कम हो जाते हैं, स्टिचेस हील करने के लिए आपको बहुत अच्छा सुपर एनर्जेटिक खाना खाना होता है। तो 9 महीने यदि आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आपके डॉक्टर की देख रेख में अच्छी डाइट लेके, अच्छे से सो के, अपना वेट गेन बढ़िया करवा के,
फिर आप स्पेशल कंडीशंस में थर्ड फोर्थ सिजेरियन के लिए भी जा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे हर लाइव में देखने को मिलता है, एंड आई फ्रीक्वेंटली गेट दिस क्वेश्चन मेरे चैनल पे भी, तो मैंने इसका जवाब अच्छे से दे दिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो, यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं दोबारा से आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, आयरन कैल्शियम जिंक की टैबलेट लेते रहिए, वॉक करते रहिए। एक और विशेष टिप कि अगर आपको थर्ड फोर्थ सिजेरियन कराना भी है तो प्लीज द गैप हैज टू बी मिनिमम 4 to 5 years। ऐसा नहीं कि सेकेंड सिजेरियन कराया, बच्चा नहीं बचा, आप इमोशनल हो गए, डिप्रेस हो गए, एक साल के अंदर ही आप फिर से प्रेग्नेंट हो गए और थर्ड सिजेरियन के लिए रेडी हो गए। नो, अगर करना भी है 3-4 साल मिनिमम गैप रख के अपनी सेहत को वापस से सुधार कर, मेंटली इमोशनली फिजिकली वापस से फिट होकर के उसके बाद अपना सिजेरियन प्लान कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, आई लव यू ऑल, बाय।